Listen to me now. लाइट जो है वो नहीं आ रही. सुबह से जो है लाइट के मैं उठी हूँ, 9:30 हो रहे हैं, लाइट नहीं है. मैं आज मशीन लगानी थी और मुझे समझ नहीं आ रही कि अब कैसे लगाऊं, या तो फिर कल लगानी पड़नी है सुबह सुबह उठकर. मैं अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट. वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. अब जी जो है मेरी जो है सिस्टर जो है जा चुकी हैं, वो 7:30 बजे जो है उन जॉब पे जाना होता है. मेरे हस्बैंड जो है फ्रेश होने के लिए चले गए हैं, मेरी सिस्टर भी जो है जॉब पे जा चुकी हैं. अभी जो है 12 बज रहे हैं, 12:45 हो रहे हैं, और यहाँ से जो है मैंने बिस्तर उठा लिया है. नवा को जो है मैंने सुबह उठ के खाना दे दिया था, और यहाँ से इसको उठा लेती हूँ जल्दी से, और फिर जाके नाश्ता बनाना है अभी. और ये देखे मिराल और नोवा जो है खेल रही हैं, दोनों आपस में खेल रही हैं, वो मिराल आके इसके पीछे. और लाइट जो है आपको पता, हमारे वीक में एक दफा जो है लाइट बहुत लंबी जाती है, लाइक सुबह जाएगी कोई 7 बजे से लेके 3-4 बजे तक जो है लाइट जाती है. तो आज मोबाइल में थोड़ी सी चार्जिंग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है कि मैं थोड़ा सा शूट कर लूं. और जो है मग जो है नोवा ने तोड़ दिए, पहले कैंडल स्टैंड तोड़ा था, अब जो है ये मग जो है नोवा ने तोड़ दिए. मेरे हस्बैंड जो है नाश्ता करते थे, मैंने इसमें पानी दे दिया, इसमें जरा मैंने कहा पानी ज्यादा मिल जाएगा तो मैंने इसमें पानी दे दिया, तो नोवा ने आके तोड़ दिया. लाइट गई भी और मैं लाइट गई भी ही मैं जो है चाह रही हूँ फटाफट सफाई करके ही ऊपर धूप में जाओ. धूप इतनी खास ही निकली थी जी बेटे. बंदे सदा 2-4 बार मिराल आचो आप नीचे बैठ गए ना बेटे, आप कपड़े गंदे कर रही हो ना, उठो खड़ी आ जाओ, स्टैंड अप खड़े हो जाओ मेरा बेटा, जल्दी करो. बेचने की कोशिश करी मिराल. नो ये लो बिंगो लगा के, तुम आ जाओ बिंगो बिंगो लगा लो. मान को जो है मैंने मूलियां और खीरे लेने के लिए भेजा था, तो वो जो है वो लेके आ गए. बस अब्दुलरहमान के घर आई हुई थी क्योंकि इसकी मम्मा ने जो है आज कड़ी बनाई है, और कड़ी इन्होंने अब इसकी मम्मा को जो भाई थोड़ा काम था, उन्होंने कहा था आप थोड़ी देर के लिए ऊपर आके जो है कड़ी का 10 मिनट तक के लिए ख्याल कर लो, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, तो मैं ऊपर आ गई. ये अब्दुलरहमान की घर की जी बालकनी है, मैं आपको दिखाती हूँ. इसकी मामा को जो आपको मैंने पहले ही बताया था प्लांट्स का बहुत शौक है, और ये हमारा भाई जी. किस दिन जो है इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगी अब्दुलरहमान के घर पे, तो मैं आपको अब्दुलरहमान का जो है ऊपर वाला जो पोर्शन है वो भी सारा दिखाऊंगी. और नीचे वाला तो आप लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं जो है डिटेल से आपको जो है मैं दिखा दूंगी कि मैंने कौन सी चीज कहाँ कहाँ रखी हुई है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी. आ जाओ बेबी आ जाओ. ये देख रहे होंगे आप जी, लाइट आ गई, 4 बज गए, बल्कि 4:15 हो गए, और मिराल ने पूरे कमरे में ये मटर मैंने बनाए हैं, अभी भी लाइट आई है तो पूरे कमरे में ये देखे मिराल ने मटर मटर कर दिए और ये नीचे फेंक दिए. मैंने सबकी सफाई की थी और अब मुझे दोबारा जो है ये सब समेटना पड़ेगा. और वैसे ही मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, मेरी तबीयत बहुत अजीब सी जो है ना खराब हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, बस अजीब सा. मैं क्योंकि अभी मार्केट भी गई थी चिकन लेने, वहां भी काफी देर होगी, तो बस मुझे ऐसे जैसे बस अजीब सी हेडेक हो रही है मुझे, तो अब ये सारा समेटती हूँ. उसके बाद अभी जो है मैंने सोच रही हूँ मैं आलू मटर साथ चावल बना लूँ. वैसे मैं लेके आई हूँ चिकन, लेकिन हमेशा की तरह जो है
चिकन नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरा चिकन खाने का फिर दिल नहीं कर रहा, लेके मैं आ जाती हूँ लेकिन फिर दिल नहीं करता। तो शायद जो है मैं मकरोनी बनाऊं तो उसमें ऐड कर लूं चिकन को, कुछ इस तरह करती हूँ। तो मैं लाल को नीचे उतार के पहले ये बेड समेटती हूँ, सारी चीजें समेटती हूँ, इसको सुलाती हूँ, फिर इन चीजों की तरफ आती हूँ कि ये भी सुबह से ये देखें ये खेल रही है, तो मैंने मना करना है तो उसने रोना है, तो मैं इसको समेट के तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने प्याज अदरक लहसुन जो है मैंने सौते करके इसको ग्राइंड कर लिया, मैं जरा टमाटर भी जो है ग्राइंड कर लूँ, उसके बाद जो है इसमें डाल देते हैं। और मैं आलू मटर बनाने लगी हूँ, साथ जो है चावल बनाने लगी हूँ, और कमरा जो मैंने नीट कर लिया, लेकिन अभी भी जो है किचन में काफ़ी तो नहीं है, लेकिन ये कि बस ये चीज़ें समेटने वाली हैं, इनको समेट कर और नीचे भी गंदा है। और अभी जो है सारा कुछ मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया है अंदर से, इस सबको समेटते हैं। लाइट नहीं आ रही थी जिस वजह से कुछ भी घर में नज़र नहीं आ रहा था, और इसको समेट के तो फिर मैं आपके साथ जो है इसको साथ साथ शेयर भी करूँगी। ये आलू मटर की जो मैं जिस आलू मटर बनाती हूँ, आपको पता है कि मैं कभी भी जो जब शोबे वाली कोई चीज़ बनाती हूँ तो मैं सोते किए बगैर और ग्राइंड के बगैर कभी प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ कि वो प्याज जो है ना वो आए ना शोबे में मुझे नज़र, ये टमाटर या कुछ ऐसे ये मसाले की चीज़ों मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, ये बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। आलू जो है वो मैंने पहले डाल दिए थे, जो मैंने मसाला टमाटर प्याज का जो है मैंने पेस्ट बनाया था उसमें आलू डाल दिए थे। जब आलू आधे कच्चे आधे पके हो, मतलब आधे पक चुके थे, तो मैंने अब जो है इसके अंदर डाल दिया है ये मटर डाल दिए। तो अब इसके अंदर इस टाइम पे जो है हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, इसी वाले मैंने मसाले बिल्कुल ऐड नहीं किए, मसाले ऐड करके फिर इनको भूनते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ। ये जी जो है मैंने इसमें मसाले वगैरह डाल दिए, जो मैं डालती हूँ जो आम जो आप खाने में डालते हैं, आपको पता है कि पिसी भी जो मिर्ची होती है वो मैं शोरबे में डालती हूँ, अब इसको भूनते हैं, जब पानी थोड़ा सा खुश्क होता है ना तो फिर इसको दिखाते हैं। मेरा जो है अंधेरे में लेटी हुई है, उसके लिए जो मैं लाइट जलाती हूँ थोड़ी देर, डर ना जाए। अच्छा जी, ये बर्तन जो है मैं अभी धो रही हूँ, अभी धुले नहीं है, धो के किचन को जो है नीट शीट करके ना तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा जो है मैं जो है अब चावल बना रही हूँ, और जो है सालन जो है बन गया, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें जो है मैंने अभी धनिया और मिर्ची डाली है, वो डाल के तो जो है मैं सर्व करती हूँ, मेनोए भी आ गया मेरे जॉब से, जो है मेरी सिस्टर भी आ गए, इनको ड्रामा बहुत पसंद है। और अभी जो है मैं यहाँ पे बिस्तर हटा दी, मैं यहाँ पे बिस्तर भी डाल दे, और टाइम हो रहा है कितना टाइम हो रहा है 7:20, टाइम 27 हो रहा है, किचन भी आप देख सकते हैं मैंने सारा नीट कर लिया हुआ। और जो चेयर्स मैंने अंदर रखी हुई थी मैंने यहाँ पे रखी हुई है अभी के लिए, अंदर के लिए जो है मैंने चेयर्स वैसे ही टेम्परेरी रखी हुई है, मैंने सोफा का बेड जो है वो सोचा हुआ कि वो लेकर आऊंगी जैसे ही मेरे हस्बैंड को टाइम मिलता है, तो वो इंशाल्लाह वो मैं पसंद करने के लिए जाऊंगी कौन सा वाला लेना है। तो वो ये है कि वो कोई आ जाता है तो मुझे नीचे बिस्तर बिछाने से बेहतर है कि वो बेड भी बन जाता है और सोफा ही बन जाता है, और हमारे पास स्पेस बहुत थोड़ी है घर में, एक कमरा ही है, तो इस वजह से जो है मुझे ऐसी चीजें जो है सूट करने की। मैम कौन आया हुआ? बड़े बाबा, बाबा पकड़ी 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 खेल रही हो का जो है मैंने मुंह शू धुलवा दी, और बस ये जो है कपड़े प्रेस कर रही हूँ, इसको ना जो है कपड़े चेंज करवाते हैं। काम शाम जो है मेरा तकरीबन हो गए, और जो है हम पेठे का और गाजर का हलवा गर्म करने के लिए आए रूम से बाहर, और साथ ही जो है मैंने चूल्हा जला दिया, और तो खाना जो खाया था उसके बर्तन ये हो गए। ये जो है मैं अभी इस तरह लेट नाइट दूंगी इस वजह से कि मेरा अभी मेरे साथ जो है जाग रही, और मैं चाह रही हूँ मैं मेराल को टाइम दूँ, है ना मम्मी?
नोवा की सबसे स्वीट आदत यह है कि इतने गर्म कमरे में से उठ के आई है, लेकिन जहाँ पे हम जाते हैं हमारे पीछे 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 ही रहती है। मैं किचन में खड़ी हुई थी काम कर रही थी, तो नोवा मेरे जो है पीछे आ गई है, तो यहाँ पे हमारे पास बैठ गई है। अभी जैसे हमने कमरे में जाना तो उसे हमारे पीछे कमरे में भी आ जाना। ठंड में किधर चली गई है, इसको जो है इसको ऑफ करते हैं फ्लेम को। मिराल में आ रही हूँ, इसके बाद जो है नोवा को लेके आती हूँ बेटे, नोवा को लेके आ रही हूँ। ठंड में पता नहीं कहाँ गई है वो, इतने ज्यादा थक गए थे सारा दिन के, कुछ हेडेक भी थी, मेरे सर में दर्द थी, तो मैंने जो है अब वीडियो शूट करना बंद कर दिया था। और फिर मेरे हस्बैंड जो हैं उनका मैं वेट करती थी, मेरे हस्बैंड जो हैं जल्दी आ गए थे, वैसे तो 3 बजे आ रहे थे 2-4 दिनों से। तो आज जो हैं मेरे हस्बैंड 1 बजे जो है मेरे हस्बैंड आ गए थे, इस वजह से हम लोग फिर सो गए थे। और यही जो है मेरी आज की रूटीन थी, तो इस वजह से अपना दुआ में जो है दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you.